देखिए, जहाँ तक पीएचडी का सवाल था, अगर आपको याद होगा मैंने आज से 2 महीने पहले जिस वक्त वो इलेक्शन हुए मैंने उसी वक्त उस पर उंगली उठाई कि जो भी पीएचडी ने ऊपर जो फैसले किए थे नीचे उसका कहीं पे जो जिस भी पार्टी के लीडर थे उन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे और उस पे मेरी उस बात पे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसने गलत बोला, लेकिन उसका नतीजा आपने कल देखा। जिस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईडी ने बुलाया था तो सभी जो पीएचडी थी उन्होंने उस पर बात की थी कि ये जाती। जब महबूबा जी को बुलाया तब किसी ने उप तक भी नहीं किया। तो यही है कि ये जो पीएचडी थी इन्होंने जो है, हमने उस वक्त भी कहा था अगर आपको याद होगा, मैंने एक बशारत साहब ने बात की और मैंने बात की, हमने उस वक्त भी कहा था कि इस पीएचडी का आगे जाके क्या रोड है, इनको इस कौम को बताना चाहिए जो कौम 70 साल से पिस रहा है। और आज भी जो इन्होंने एक डीडीसी इलेक्शन के लिए 370 का सहारा लेकर कहा, पीएचडी बनाई, और आपने देखा फिर कि आज कोई बात ही नहीं। पीएचडी का ये बिल्कुल जो था एक मजाक था, और जिस कश्मीरी कौम के साथ जिस तरह पहले हुआ जो मजाक हुआ और वही दूसरा उससे बड़ा मजाक सर। लेकिन आज मैं कहूँगा, आज लोग होशियार हैं, अब ये किसी के जाले में नहीं आएंगे। आज सोशल मीडिया है, आज लोग जानते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर वही जो मैं उस वक्त मैंने कहा था कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है, वो वही कैंडिडेट लेके यहाँ ड्रमला में जो रीएलेक्शन के लिए वो आज उसके लिए वोट मांग रहा है। तो ये साबित हुआ ये जो पीएचडी थी ये धोखा था। कहीं नीचे ऊपर एक बात थी, नीचे अपने जो उनका कैंडिडेट था जो उनका वहां पे कोई भी था उसको कहा नहीं नहीं आप अपना चलाओ, बाकी अखबारों में ये रहने दो। सर जिस तरह